सब्सक्राइब करें ट्रैवल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर, हिंदपीढ़ी में कोरोना पॉजिटिव की दूसरी मरीज की पुष्टि। झारखंड में अब तक 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। रांची से 2, हजारीबाग से 1, बोकारो से 1। झारखंड के लिए परेशानी का सबब, लोगों की लापरवाही का नतीजा आ रहा है सामने। रविवार 5 अप्रैल को कोरोना वायरस ने अपने संक्रमण से बोकारो जिले के तेलो गांव की महिला को अपने चपेट में लिया। यह महिला बांग्लादेश से जमात में शामिल होकर लौटी थी। झारखंड के तीसरी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के साथ ही कोरोना वायरस ने झारखंड में हैट्रिक पूरी की, यानी कि तिकड़ी जमाई। इस खबर से अभी राहत भी नहीं मिली थी कि सोमवार को अहले सुबह राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से खबर आई कि हिंदपीढ़ी निवासी एक महिला उम्र लगभग 54 वर्ष में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से अब 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। झारखंड का पहला मामला भी हिंदपीढ़ी से ही पाया गया था, जो मलेशिया से महिला आई थी। उसी मलेशियाई महिला के संपर्क में ये महिला भी आई थी, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। झारखंड के लिए खतरे की घंटी, झारखंड सरकार काफी गंभीर। रांची जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लगातार सतर्कता और सतर्कता के बीच ऐसी खबर का आना निराशाजनक है। फिर भी रांची जिला प्रशासन लगातार काम कर रही है। सरकार के निर्देशों पर कोरोना के जंग में पूरी टीम लगी हुई है। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है, बावजूद स्थानीय निवासी लापरवाही बरतते हुए देखे गए। लोग इधर उधर घूमते नजर आते थे। अब प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गई है और कर्फ्यू को पूरी तरह लागू कराने के लिए पुलिस बल सख्ती से निर्देशों का पालन कर रही है। झारखंड वासियों और खासकर उन इलाकों में उन गांवों के लोगों को काफी सचेत रहने की आवश्यकता है जिस इलाके से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। बिल्कुल एहतियात बरतें, घरों में रहें, सरकार व जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। जांच करने पहुंची स्वास्थ्य टीम का भी सहयोग करें, ताकि कोरोना संक्रमण के लक्षण को पहचान करने में मदद मिले। झारखंड सरकार बार बार अपील कर रही है कि वैसे लोग जिन्हें थोड़ा भी शंका या वैसे लोगों के संपर्क में आए हैं जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वे लोग सामने आए, अपनी स्वास्थ्य जांच कराएं, अपनी पहचान बताएं, एक सजग और सतर्क नागरिक होने का परिचय दें, डरे नहीं। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन इस संकट के घड़ी में हमेशा सेवा के लिए तत्पर है। सहयोग करें, सुविधा जरूर मिलेगी। हम आप मिलकर ही कोरोना संक्रमण को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब कुछ भी छुपाए नहीं, बल्कि सामने आकर कोरोना की जंग में अपने कर्तव्यों का पालन करें। झारखंड के लिए ये समय संकट का जरूर है, पर हेमंत सरकार हर स्थिति पर नजरें बनाए हुई है। हर संभव प्रयास कि झारखंड वासी स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रहे। कई चुनौतियां हैं सामने सरकार की, लेकिन सिर्फ सरकार, पुलिस, जिला प्रशासन को दोष देने से नहीं होगा। हमें भी अपनी भूमिका तय करनी होगी। लापरवाही न बरतें, सावधान रहें, घरों में रहें, जरूरत पड़ने पर प्रशासन से मदद लें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।